शादी करनी हो रिश्तेदारों में तो किसके घर करनी चाहिए? पप्पो के घर तो करनी नहीं चाहिए। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी गलती है। पप्पो का क्या मसला होता है? पप्पो बस वैसे शुरू से किसी को पसंद ही नहीं होता। तो अगर पप्पो की बेटी बड़ी प्यारी निकल है फिर कर लेनी चाहिए। पप्पो ब्याह तो पहले जिन्नी मिट्टी होनी ना ब्याह तो बाद ओडी कोड़ी हो जाती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताओ कि अगर शादी रिश्तेदारों में करनी हो तो किस रिश्तेदार के घर करनी चाहिए? खाला के घर। खाला के घर क्यों? वो अच्छी है, वो अच्छा होता है घराना। और उसके अलावा अगर और तरफ जाए तो फुफो ये जरा खतरनाक वाला मामला हो जाता है। खतरनाक क्या होता है? खतरनाक इसलिए होता है कि अव्वल तो इनकी जो बेटी है वो नहीं जान छोड़ती। उनसे बच के रहना फायदे में है। वो शैतान बड़ी होती है, चलाक होती है, चलाक जिसकी वजह से बचना चाहिए। चलाक लोगों से मैं वैसे ही बचता हूँ बहुत, मैं खुद शरीफ इंसान हूँ। शादी रिश्तेदारों में करने का मौका मिला है तो किस रिश्तेदार के घर करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं करनी चाहिए, फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह है? तो आउट ऑफ फैमिली। फैमिली में क्या होता है? फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या इश्यू मसलन? एक हो तो बताएं। मसलन क्या? मतलब कि अगर मेरे घर अगर मेरी कोई मेरी अगर मिसेज के साथ की अनबन हुई है तो उसमें अगर मेरे साथ हो गई है उसमें जो फिर बाकी रिलेशन है वो सारे पिताई सारे पिताई मासी ताई मामे सारे ऐड होते हैं। तो इसलिए अगर क्या करनी है तो आउट ऑफ फैमिली करनी है। शादी करनी हो रिश्तेदारों में तो किसके घर करनी चाहिए? पप्पो के घर तो करनी नहीं चाहिए। अच्छा। ये तो बहुत बड़ी गलती है। वजह बस इसके पीछे बहुत सारी वजहात है जो ना मैं कैमरे के सामने अब नहीं बता सकता। ठीक है, पप्पो जो है ना इधर तो करनी नहीं चाहिए, खाला का है थोड़ा सा बंदा देख ले के बंदा। पप्पो ब्याह तो पहले जिन्नी मिट्टी होनी ना ब्याह तो बाद ओडी कोड़ी हो जाती है। तो ये ऐसे ही बात है, बिल्कुल भैया ऐसे ही है। बहुत मीठी थी पहले, शादी के बाद उसने ऐसे वो मतलब कल्टी मारी है ना, समझ ही नहीं आई। बंदा पहले मिठाइयां के बाद जो जादू टूने, मैं कहता हूँ जादू टूने। अब तो मुझे वो कहती तुम्हें कोई भीख दे तो वो भी नहीं, तू भीख मांगे किसी से वो भी नहीं तुझे मिलनी, लेकिन अल्लाह की जात बैठी है। आपकी शादी जो पप्पो के घर हुई है? जी मेरी पप्पो के घर हुई थी। तो आप जो है ना मैंने बाइकाट कर दिया क्योंकि अब जो है ना उनके मामला सामने आने शुरू हो गए हैं। पप्पो की असलियत सामने आई है अब। तो अब जो है ना मैं कहता हूँ कि उधर जो बंदा पप्पो की तरफ करता है ना वो बंदा बेवकूफ है। आपके पास पहले ऑप्शन थी पप्पो के घर खाला के घर? अभी भी है, अभी तो मैं माशाल्लाह खाला की तरफ करने लगा हूँ फर्स्ट मंथ में जो है ना इंशाल्लाह। जनवरी में इंशाल्लाह उधर हो रही है। की बेटी छोड़ दी? हाँ पप्पो की छोड़ दी है, माशाल्लाह बच्चा है एक साल का मेरा, वो उनके सपात मैंने कहा निशानी रखो मेरी। शादी जो है वो रिश्तेदारों में अगर करनी हो तो किसके घर करनी चाहिए? कजन के घर करनी चाहिए। मतलब कौन से रिश्तेदारों के घर करनी चाहिए? पप्पो के घर, खाला के घर, मामू के घर, ताई के घर? आंटी के घर कर सकते हैं। आंटी कौन? आंटी मसल खाला जो होती है। खाला के घर करनी चाहिए जी। पप्पो के घर क्या मसला है? बस पप्पो घर नहीं। क्यों नहीं? वैसे ही बस पप्पो घर ज्यादा दिल नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता पप्पो का? नहीं मसलन ना कि ज्यादा दिल करता कि चले मामू घर हो जाए या आंटी के घर हो जाए। पप्पो का क्या मसला होता है? पप्पो बस वैसे ही शुरू से किसी को पसंद ही नहीं होता। तो अगर पप्पो की बेटी बड़ी प्यारी निकल है फिर कर लेनी चाहिए। मतलब पप्पो के घर ना करने की एक रीजन बता दो। पप्पो मसलन कोई ज्यादातर तो पप्पो होती हैं वो झगड़ा डालती हैं इस वजह से, फिर वो डरते हैं कि हम इधर शादी कर लेंगे तो बस सारी जिंदगी खराब। शादी जो है वो अगर रिश्तेदारों में करने का मौका मिले तो कौन से रिश्तेदार के घर करोगे? जो भी मिल जाए सो बिस्मिल्लाह हम कर लेंगे। जो भी कहेगा हम कहेंगे सो बिस्मिल्लाह। पप्पो के घर
कर लेंगे, कोई बात नहीं, उधर भी कर लेंगे, खाला के घर भी कर लेंगे, मामू के घर भी कर लेंगे। मैं अगर वो ना करना चाहे फिर? नहीं, वो ना करना चाहे तो फिर हम किधर और देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। वैसे कहाँ सोचा मैं करने का? सोचा हुआ, देखेंगे जो देगा कर लेंगे हम। अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है, जो दे दे, एक दफा दे 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 दे, बस दे दे। तारिक मसूद साहब की बयान आज मैं बड़े सुनता हूँ, तो मैं कहता हूँ जो भी आ जाए सो बिस्मिल्ला। किसके बयान आज सुनते हो? तारिक मसूद साहब के। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस्लाम में चार शादियां हैं, चारों कर लो कोई बात नहीं। शादी करने का मौका रिश्तेदारों के घर में मिला तो कौन से रिश्तेदार के घर करोगे? मासी के घर पहले ऑलरेडी है। हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है लेकिन शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब घर जाता हूँ बोलते हैं 6 महीने के बाद शादी करेंगे। 1 महीने बाद जैसे जाता हूँ छुट्टी घर जाता हूँ तो घर वाले बोलते हैं 6 महीने के बाद आपकी शादी करेंगे। 6 महीने बाद जाते तो? 4 साल हो गए, 6 महीने नहीं आ रहे। अभी इंशाल्लाह बोल रहे हैं कि ईद के बाद करेंगे, देखो क्या बनता है। तो उम्मीद है होएगी? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद तो बहुत है। नहीं तो खाला के घर ही क्यों सोचा, फूफो के घर क्यों नहीं सोचा? वो बस खाला घर ज्यादा आना जाना है ना, वो मामा उधर ही लेकर जाती है तो फिर कोई मतलब। खाला देख रही हो, खाला को क्या पैगाम देना है? सर्दियाँ गुजर रही हैं, मेहरबानी करो तो जल्दी जल्दी शादी करो। शादी करने का मौका मिले रिश्तेदारों के घर तो कौन से रिश्तेदार के घर करोगे? चाचू की तरफ। चाचू की तरफ क्यों? उनसे जरा वैर होता है। वैर होता है? वैर होता है। लोग कहते हैं कि ये वो होते हैं, मतलब कि आपके शरीक होते हैं, और आजकल जमाना शरीकों के ऊपर बड़ा चल रहा है। शरीकों के घर शादी क्यों करोगे? ताकि उनकी बेटी आ जाती है ना। उससे क्या होएगा? उनसे ये होगा कि वो फिर भरम भाव होगा बंदे का, वो कहेंगे हमारा ये अब एतमाद है और ये जवाई भाई है, इसलिए। मतलब अगर चाचू जो होते हैं वो आपके शरीक होते हैं, उनसे आपका वैर होता है तो आप उन्हीं के घर शादी करोगे? जी, सिर्फ अपना रुतबा ऊपर करने के लिए फिर उसकी तरफ शादी करेंगे हम। कि मैं जवाई भाई हूँ। जवाई भाई हूँ, अकड़ के बंदा रहता। अगर शादी किसी रिश्तेदार के घर करने का मौका मिले तो किस रिश्तेदार के घर करोगे? दोबारा मर जाऊंगा। दोबारा मर जाऊंगा। दोबारा मर जाओगे? क्यों? नहीं, रिश्तेदारों में करनी नहीं चाहिए। नौजवान लड़कों की राय अपने रिश्तेदारों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।